और सुन, थोड़े दिनों के लिए इलाके में दिखना मत, ठीक है? पकड़। अरे बस बस, थोड़ा कम कम सुंगाओ, पता चला बेहोशी में से उठी नहीं तो। जा जरा नियाज भाई की दुकान पे जाके देख क्या, तेरी आपा अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, जाता हूँ मम्मी। फातिमा कैसी है रे? ठीक हूँ मंजू। निया चाचा, राबिया आपा निकल गई। छोटे मियाँ, तुम्हारी आपा तो आज काम पर ही नहीं आई। क्या? मैं तो तुम्हारी अम्मी को फोन करने की सोच रहा था। घर पर नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन सुबह तो निकली थी रोज की तरह। क्या बकवास कर रहा है? अरे काम पर नहीं गई तो किधर गई? मेरे को नहीं मालूम अम्मी। मैं कुछ खाने का देखता हूँ, आज रात को यहीं रुकते, कल सुबह निकल जाएंगे। ठीक है सर। हम लोग ने पूरी चाल छान मार ली है, सबसे पूछताछ की, किसी ने भी रबिया को नहीं देखा है। मालूम क्या हुआ होगा मेरी बच्ची के साथ? तू काय को परेशान होती है? आ जाएंगी तेरी बच्ची? नहीं मुमताज, तू तो रबिया को जानती है, वो इधर इधर किधर भी नहीं जाएगी। मेरे को बहुत डर लग रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो काम पे गई हो और लौट के ना आई। मेरी बच्ची के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अपन सीधा पुलिस चौकी चलते हैं। आई आई, राबिया गायब हो गई है, वो लोग पुलिस स्टेशन गए। क्या बात कर रही है? ऐसे कैसे गायब हो गई? मतलब किसी ने तो देखा होगा ना उसको कहीं पे जाते हुए? नहीं आई, सब कह रहे हैं कि किसी ने भी नहीं देखा, एकदम से गायब हो गई। आई मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हुआ है। मंजू काकी, मैं दिमाग को ज्यादा ताप मत। आप कौन हो? मंजू काकी के भाई नहीं हो? नहीं हूं। देख राबिया, अब मैं तेरे हाथ खोलने वाला हूं। क्यों? ताकि तू खाना खा सके। हाँ, मैं जानता हूं कि हजारों सवाल है तेरे दिमाग में और मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन हाँ, अगर तूने कोई भी चालाकी की या मेरी कोई भी बात डाली, तेरी अम्मी फातिमा और तेरे भाई अब्बास के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? चल याद खोलता हूँ। चल खाना खा ले। आप कौन हो? मुझे आप कहाँ लाए हो? तेरे घर से बहुत दूर, और तू कल अपने घर से और भी ज्यादा दूर जाने वाली है। क्यों? मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी है, अम्मी और अब्बास परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। तू उनकी फिक्र मत कर, वो हमारे कब्जे में मुंबई में, लेकिन अगर तूने कोई चालाकी की ना तो तेरी अम्मी और तेरा भाई अब्बास खलास, सच बोल रहा हूँ। चल खाना। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि आपकी लड़की राबिया किसी के साथ भागी नहीं है? क्योंकि साहब, वो सिर्फ इसकी, अपनी अम्मी की और अपने छोटे भाई अब्बास की फिक्र करती थी, वो सिर्फ इनके लिए जीती है साहब। और साहब, राबिया को पूरी चाल जानती है,
उसका किसी के साथ चक्कर हो ही नहीं सकता। अब उसका मोबाइल नंबर दीजिए। उसके पास मोबाइल नहीं है। 16 साल की लड़की, कमाने वाली, और उसके पास मोबाइल नहीं है। जब भी तो मैं बोली ना साहब, बच्ची एकदम सीधी है, बेफालतू के मोबाइल वोबाइल के शौक नहीं पाले इसने। उसकी एक लेटेस्ट तस्वीर लगेगी और उसने क्या पहना था उसके डिटेल्स लगेंगे। साहब, उसने हल्के भूरे रंग का सूट और सीमेंट कलर का दुपट्टा पहना था। ठीक है, हम इसे ढूंढना शुरू कर देंगे, लेकिन एक बात देखिए। कहाँ जा रहे सिलके, कहाँ बांगड़ा? सर, इनकी लड़की है राबिया, 16 साल की है, सुबह काम पर नहीं पहुंची, अब तक घर भी नहीं आई, मोबाइल भी नहीं है इसके पास। 16 साल की पर है तो बच्ची ना साहब, मासूम है, आप कहीं से भी उसको ढूंढ लाइए, मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, ढूंढ लेंगे उसको, फोटो आएंगे, डिटेल्स घेत लेते। हो सर, फोटो घेत लें सर। ठीक है, CPU में भेज दो, और आप लोग, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मोहल्ले से या कहीं से भी, हमें बताते रहिए, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी राबिया। राबिया की अम्मी ने पुलिस में शिकायत कर दी है, अब क्या होगा? तुझे किसी ने देखा तो नहीं था ना उसे टैक्सी में बिठाते समय? नहीं नहीं ताई, मैं बहुत संभाल के उसको मयूर के हाथों पहुंचाई, और वैसे भी अभी तक किसी ने ऐसा कुछ बोला भी नहीं यहाँ पे। पर ताई, पुलिस के लोग पूरी चाली में पूछताछ कर रही है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को मेरा पैसा मिलेगा ना ताई? मिलेगा मंजू, पैसा मिलेगा, ये सब कुछ हम पैसे के लिए तो कर रहे हैं ना। अभी मैं रखती है ताई, पुलिस के आदमी घर घर आके पूछताछ कर रही है। हेलो मंजू, मेरे पास ये पुलिस वाले घर किसी से टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं, तू टूटना मत, अपनी बात पे डटी रहना। तुझे खुद भी ऐसा ही लगना चाहिए कि तू सच बोल रही है। सर, पूरी चौल में और बगल की दोनों चालियों में पता किया है, पर किसी ने भी राबिया सैयद को कहीं जाते नहीं देखा, और किसी के साथ भी नहीं देखा। चाल की लड़की है, लो प्रोफाइल है, रोज का आना जाना है, किसी के नजर में नहीं आई होगी। साइलेंट लव स्टोरी रही होगी सर, भागकर शादीवादी की होगी। 16 साल की है, माइनर है, लगभग सभी लोग यही कह रहे हैं कि लड़की मेहनती है, अपनी माँ का हाथ बटाती है। ये भाग कर जाने वाला एंगल डाउटफुल लगता है, कोई और एंगल? नो सर, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए हमारे पास फोन नंबर भी नहीं है। अगर फोन से खबर नहीं मिल सकती है तो खबरियों से खबर निकलवाओ। तांबे, जब तक ये बच्ची नहीं मिलती, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। यस सर। नींद नहीं है तो भी सो जाना, और कुछ सोचना नहीं, कुछ भी नहीं। बीस अच्छा है, बेच रहा है? हाँ, इसलिए तो उठा के लाया इसको। तो बिक्री तो कल होगी ना? अभी तो फुल लाइट बाकी है मयूर, बारिश भी मस्त हो रही है और तबीयत भी बन रही है यार, समझा? एक बात कान खोल के सुन ले, अपने को इसका पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये लड़की कुंवारी है, ये डिमांड है, वर्जिन लड़की चाहिए, समझा? हाथ लगाई हुई नहीं। ठीक है ना, कलर छोड़। कंट्रोल नहीं हो रहा तो चला जा शबनम के अड्डे पे, और यहाँ पे भटकना भी मत, समझा? शबनम का कोठा गुजरात के एक छोटे से गांव में था। ए पिंकी, चार नंबर उम्बा जवानों कहो ना, जाना बात कर रही है कब? बिखा रोकड़ा आप आज है ना? बिना पैसे लिए कहां जाने दोगे शबनम बहन? पिछले कमरे में रख इसको। राबिया को खरीदने वाला 58 वर्षीय रमेश दामोर शबनम के कोठे पर रेगुलर क्लाइंट था। एक बार जब रमेश दामोर इस कोठे पर आया था, तब उसकी मुलाकात मयूर से हुई थी। बोलो सेठ, कोई खास बात करनी है क्या? क्या है शबनम बेन, मैं तेरे यहां पे आता हूं, हर बार एक से एक सरस छोकरी होती, दिल खुश हो जाता, लेकिन मेरा यहां पे ऐसे आते रहना जमता नहीं। ओ, इटली तो अच्छे ने,
अलग से रोकड़ा लगेगा, आप टेंशन मत लो, लड़कियों को मैं होटल भिजवा दूंगी। ना ना, वो नहीं चाहिए मुझे। तो देख, मुझे तो वो चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे घर पे। घर पे? हाँ। हमेशा के लिए? हाँ। पक्का? वो मेरी बीवी को गुजरे 5 वर्ष हो गए, अरे बच्चे मुंबई में अमेरिका में सेटल है, एक ला रहता हूँ। अब कोई सरस छोकरी मिल जावे ना तो लगन भी कर लो। ओ, एम बात छे। अच्छा अच्छा, लड़की तो मैं दिला दूंगी, पर आप मेरे लिए सोने की मुर्गी हो, आपका गला काटूंगी तो। देख, छोकरी दे कमीशन ले, और चिंता मत कर, तेरे यहां भी आता रहूंगा। अब रोज रोज दाल भात कोने भावे। ये हुई ना बात, तय वादो नहीं, लड़की मिल जाएगी आपको, मेरा एक स्पेशल सप्लायर है, उससे मिला दूंगी। सेठ, चिंता मत करो, आपका भी काम हो जाएगा। कल ही मुंबई लौट रहा हूँ, जाल फेंकता हूँ। छोकरी होनी चाहिए, औरत नहीं, कुंवारी होना जरूरी। समझ गया सेठ। लेकिन हाँ सेठ, एक बात याद रखना कि लड़की जितनी छोटी होगी नोट उतने बड़े लगेंगे। अरे उसकी चिंता मत कर, बस इतना याद रख, छोकरी टॉप की, एकदम चोखा माल। और वहीं पर ट्रैफिकर मयूर और बिजनेसमैन रमेश दामोर के बीच डील हुई कि मयूर उसके लिए एक कम उम्र की कुंवारी लड़की लेकर आएगा। किडनैप की गई 16 वर्षीय राबिया सैयद को मुंबई से गुजरात लाया गया था बिजनेसमैन रमेश दामोर के हवाले करने के लिए। राबिया की मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लेने वाली पुलिस टीम के लिए बेहद जरूरी था कि वो जल्द से जल्द राबिया तक पहुंचे ताकि रमेश दामोर अपने विकृत इरादों में सफल ना हो पाए। उम्र निकल गई इस दुकान में, कितने कारीगर आए और गए, लेकिन अपनी ये राबिया बेटी सबसे खास है, ढूंढने से भी ऐसी कारीगर नहीं मिलेगी। बड़ी तमीज और तहजीब से पेश आती है, एक दिन भी कभी लेट नहीं हुई, और 4 साल में मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी ली होंगी, वो भी पहले बता के। सर, मेरा दिल कह रहा है वो किसी के साथ भागी नहीं। देखिए, हमें भी यही लगता है, हमें लगता है किसी ने उसे अगवा किया है, उठा लिया है। लेकिन एक गरीब घर की बच्ची को भला कोई अगवा क्यों करेगा? नियाजुद्दीन साहब, राबिया हमारे और आपके लिए बच्ची है, पर इस दुनिया में भेड़ियों की कमी नहीं है। लाहौल बिलाकुबत, दो जख्म में सड़ेंगे सबके सब, अगर उन्होंने हमारी राबिया बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया हो तो। आप फिक्र मत कीजिए, उसके पहले हम उन लोगों को धर लेंगे और दोजख के दर्शन भी करवाएंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई सुराग ही नहीं है। आप कुछ बता सकते हैं? कुछ अटपटा हुआ था या कुछ खटका था, या किसी ने आके उसके बारे में कुछ पूछताछ की थी, कुछ भी? माफ कीजिए सर, ऐसा कुछ भी याद नहीं है। रात भर एक पल भी नहीं सोई सर। मैं समझता हूँ फातिमा, ये वक्त दिमाग लड़ाने का या दिल कमजोर करने का बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग पे जोर डालिए और हमें बताइए, क्या राबिया को कभी किसी ने छेड़ा, या उससे शादी के लिए किसी ने पूछा, या कुछ और हुआ, या कभी ऐसा कुछ हुआ जो उसने आपसे छिपाया लेकिन आपको बाद में पता चला? नहीं साहब, राबिया ने अपनी अम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाई। 4 महीने पहले उसके लिए रिश्ता तो आया था, मैं ही लेके आई थी, पर उसने मना कर दिया साहब। उस लड़के की डिटेल समय दीजिए, नाम फोन नंबर वगैरह। लड़का तो दुबई का था साहब, अच्छे घर के लोग थे वो, अब तो उसकी शादी भी हो गई। राबिया किसी से बात भी नहीं करती थी, वो अपने ही काम से काम रखती थी। तो राबिया तो एक ही उम्र की है ना, तुझसे तो कुछ बोला होगा? नहीं मैडम, मैं और राबिया साथ में बड़ी हुई है, एक ही स्कूल एक ही क्लास में भी थे। राबिया बहुत कम कम बोलती है मैडम, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है, एकदम सीधी। सर, चाली की लगभग सभी औरतों से बात हुई लेकिन कुछ निकला नहीं। सर, हिमवन चौल भी कहते हैं, जहाँ वो टेलर शॉप है, लगभग सभी लोगों से बातचीत हुई, सभी यही कहते हैं कि चुपचाप काम पे आती है और चली जाती है, किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं। और खबरें? सर, सभी फील्ड पर है। ट्रैफिकिंग के हिस्ट्री शीटर? सर, उठा रहे हैं कि करके सबको। आसपास जितने भी कोठे हैं, वैश्य अगर है, सब में इंक्वायरी करो, जरूरत पड़ी तो रेड भी करेंगे, मामला बहुत सीरियस है। दिन दहाड़े 16 साल की एक लड़की ऐसे कैसे करने पहुंच सकती है? सर, मैं सोच रही हूँ लड़की का जो रोज का रूट है, मैं उस रूट पर उसके घर से लेकर टेलर की दुकान तक जाती हूँ। सर, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय पर जाना जिस समय वो जाती थी। ओके सर। Thank you.
मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? रणकेश्वर, गुजरात। क्यों? तेरी शादी है वहां। मेरी अम्मी और भाई परेशान हो रहे होंगे, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। उनकी फिक्र तू क्यों कर रही है? बहुत जी लिए कीड़े जैसी जिंदगी, अभी राज करने का टाइम। मैं एक बार अम्मी से बात कर सकती है? ये अच्छे बच्चे वाली एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी, इसलिए अब अगर तू चिल्लाई या मेरे को बहकाने की कोशिश की या कोई भी चालाकी की तो काट के फेंक दूंगा तेरे भाई और तेरी माँ। बोल, ये चाहती है तू? चुप रहने का, ये समझ ले कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। सर 15-20 मिनट का रास्ता है बाय वॉक, दिन का टाइम। अगर लड़की जबरदस्ती किडनैप हुई है तो वो शोर मचाती, पर किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। शायद कोई बहला फुसला कर उसे ले गया होगा। सर सारे ट्रैफिकर्स और हिस्ट्री चीटर्स को टैप किया जा रहा है। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक लड़की रोज के रूट, रोज के रूटीन से अगवा की जाती है, और एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसने उसे देखा ना हो। नहीं तांबे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताई आप समझ नहीं रहे हो, पुलिस पागलों की तरह वही वही सवाल बार बार सबसे पूछ रही है, हर घर में हर गली में ढूंढ रही है। तेरे भी घर पर आकर गए ना मंजू? हाँ। तुझे सब कुछ मालूम, मगर तूने उन्हें कुछ नहीं बताया ना? तो फिर उनका कुछ भी मालूम करना नामुमकिन है। तू उन्हें नहीं बताएगी तो कौन क्या बता सकता है? वो उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कभी नहीं। ताई, वो मेरे आदमी के लिए दवाई खरीदनी है, मयूर को फोन लगाओ ना। मंजू, मयूर मुंबई के बाहर अपना फोन लेके नहीं जाता, मैं 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ। लेकिन तू फिक्र मत कर, वो सौदा करके ही हमारा पैसा लेकर आएगा। देखा है पुलिस? नहीं मैडम। कौन है ये? दिवेचा नगर 40 की एक लड़की है, गायब हो गई है। रोज यहीं से आती जाती थी, इसी टाइम पे। आगे हिमवन 40 में एक टेलर की दुकान पे कारीगर है, राबिया सैयद नाम है इसका। ठीक है, कुछ इसके बारे में पता चले तो दिवेचा नगर थाने में मेरे बारे में पूछना, कांस्टेबल कल्पना अंबरकर। मैडम, याद है मैडम, मैं देखा ये लड़की को। कहाँ देखा और कब? पक्का याद नहीं है, थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। कल ये लड़की इधर आई थी, उधर एक टैक्सी खड़ी थी, ये उसमें बैठी और चली गई। उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? टैक्सी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन ये लड़की के साथ एक लेडीज और भी थी। लेडीज थी उसके साथ? अब कैसे दिखती है वो, जानते हो तुम उसको? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन देखा है, वो डेली इधर से ही अप डाउन करती है। उस औरत की उम्र क्या होगी, दिखने में कैसी थी वो? पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन सामने आएगी तो पहचान लेगा मैडम। कोई औरत भी थी उसके साथ? यस सर, वो औरत भी बैठी थी उस टैक्सी में। सर राबिया ने कोई शोर नहीं मचाया, मतलब हो सकता है उस औरत ने राबिया को पटा लिया होगा। हो सकता है उस औरत को भी राबिया के साथ किडनैप किया हो। सर रोज पैदल काम पर जाने वाली लड़की मोहल्ले की दूसरी औरत के साथ टैक्सी में, इसी में कुछ गड़बड़ है सर, कुछ छुपा हुआ है। खुलासा करते हैं, एक काम करो, राबिया के माँ को हाजिर करो तुरंत। चल रे, आजा। छोकरी चोखी है ना? हाँ सेठ।
ना मैं विश्वास कैसे करूं तुझ पे? कमाल कर रहे हो सेठ, इस धंधे में बड़ा हूं। भरोसा मतलब धंधे का कॉन्ट्रैक्ट, भरोसा टूटा तो धंधे से आउट। मैं बोल रहा हूँ कुवारी तो कुवारी ही होगी ना, मान लो। ऐसे भी चारा क्या है आपके पास? बराबर छे ला छोकरी हैंड ओवर कर। ऐसे कैसे हैंड ओवर कर दूं से? पहले पैसे तो दो, 12 लाख रुपए रोकड़ा। तूने थोड़ी ना बोला था तू आ जा रहा है। क्या सेठ कमाल कर रहे हो, अभी तक तो आप ही फोन कर करके उतावले हो रहे थे। अभी माल लेके आया तो आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, रोकड़ा कहाँ पर है? भाई 12 लाख मजाक नहीं है, रोकड़ा घूम रहा मार्केट में। चेक देता हूँ। चेक नहीं लेता हूँ सेठ, कैश लेता हूँ। 12 लाख रुपए रोकड़ा, एक भी पैसा कम नहीं। 2 लाख एडवांस ले ले, 10-12 दिन में भाग के ले ले। सॉरी सेठ, नहीं चलेगा। अरे एडवांस दे रहा हूँ ना, देख तू इसको यहाँ तक लेके आया मारी माटे तो खरीद रहा हूँ ना मैं इसको। सेठ अपने धंधे में ऐसा नहीं होता है, अपने धंधे में एक हाथ से माल गया तो दूसरे हाथ से रोकड़ा आना चाहिए। अभी तक आप फोन करके बोल रहे थे चौखा माल चाहिए चौखा माल चाहिए, चौखा माल लेके आया तो आप बोल रहे हो पैसा नहीं है। आप एक काम करो, जब आपके पास में कैश पैसा रेडी होएगा ना तब आना आप लेने के लिए। अरे ठीक है भाई, 4 दिन में रोकड़ा रेडी करता हूँ, लेकिन छोकरी मारी। ठीक है, आप मेरा इधर का नंबर लिख लो। और एक बात का ख्याल रखना, चौकी की चौकी रहनी चाहिए, मेरे साथ चीटिंग नहीं। हाँ ठीक है ना यार तू, हाँ वापस आके कॉल मार मेरे को। चल सुन, मेरे घर रखते हैं इसे, सबसे सेफ। सेफ है तेरे घर में, सबसे बड़ा खतरा तेरे से ही है। अरे भाई टच भी नहीं करूंगा, सच बोल रहा हूँ। जिस दिन तूने सच बोला ना, हरीशचंद्र की आत्मा रो देगी। चल अभी टाइम पास मत कर, मेरे को शबनम के कोठे पे ले चल। हाँ छगन भाई, देखो ऐसा है, मैं सामने से चेक दूंगा, लेकिन मुझे केस चाहिए 12 लाख पूरे। साहब मेरी बेटी का कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं फातिमा। हाँ पर एक खबर मिली है, तुम्हारे चाल के गली के बाहर से एक टैक्सी में बैठ कर गई किसी औरत के साथ। टैक्सी में? नहीं साहब, मेरी राबिया ऐसे किसी के भी साथ टैक्सी वैक्सी में बैठ के नहीं जा सकती। देखो हमें सिर्फ खबर मिली है, यकीन से नहीं कह सकते। नहीं साहब ये भी नहीं है। तुमने पक्का इसी लड़की को देखा था? मैडम ने ये फोटो मेरे को दिखाया तो पहले तो मैंने पहचाना नहीं, पर बाद में घंटी बजी। क्या ना साहब, काम करते वक्त भी सड़क में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं रह जाता है। ये लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में रह गया, मासूम दिखती ना सर। और जो उसके साथ थी वो कैसे याद रही? उसे तो रोज देखता है, डेली उधर से आती जाती है। सर उस चौल में 500-600 औरतें हैं जो सुबह डेली काम पर जाती हैं। हम उसी टाइम पे वहाँ बाहर वॉच रख सकते हैं, पता नहीं वो औरत वहाँ से अगली बार गुजरे भी या नहीं, लेकिन सर हम ट्राई तो कर ही सकते हैं। घास की बोरी में सुई ढूंढना है हमें। गणपत कल दुकान जल्दी खोल देना, हम लोग वहीं से नजर रखेंगे। अगर औरत दिखाई देती है तो हमें इशारा कर देना, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे मयूर वाह, शबनम पे शक करता है? अरे नहीं रे शबनम, तू गलत समझ रही है। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आइटम को रूम में डालो और रूम की चाबी मेरे को दे दे। वो एक ही बात हो गई ना, भरोसा नहीं करता है तू मुझ पे? अरे नहीं नहीं शबनम, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना, रमेश भाई के साथ डील ही कुछ ऐसी है, उनको कुंवारी लड़की चाहिए, पर यहाँ पे एक रात में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरे को रिस्क नहीं लेने। तू सोच, अगर वो लड़की कुंवारी नहीं रही ना तो ये डील ऑफ, फिर मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। चल ठीक है, कमरा मिल जाएगा। अरे रमेश सेठ तुझे बहुत मोटी रकम दे रहे हैं मालूम है मेरे को, मेरा कमीशन बढ़ा दे। अरे शबनम नहीं हो पाएगा, अरे तेरे को कमीशन देना है, रो धीरेन को देना है, मुंबई में 2 लेडीज हैं उनको भी देने का है, डील ही कुछ ऐसा है। अपनी डील में ये कमरा नहीं था हीरो, 25,000 बढ़ा दे, तेरी सोने की चिड़िया को टाइट सिक्योरिटी दे दूंगी, टेंशन नहीं लेना। चल ठीक है, चाबी दे। चल ये देख इधर आ, ये बाथरूम है, और ये कपड़े नहा लेना और कपड़े चेंज कर लेना, मैं खान लेके आता हूँ। आप मेरे को वो बुड्ढे अंकल के पास बेच रहे हैं? हाँ रहम करो मुझ पर,
मेरी अम्मी और अब्बास के अलावा कोई नहीं है। ड्रामा मत कर, बोला था ना इधर आके रोने का नहीं। हाँ जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर चुपचाप, वरना अभी अगर तूने अपने अम्मी और अब्बास के बारे में कुछ भी बोला ना तो मेरा फोन जाएगा वहां पे। अभी तेरा राज करने का टाइम है, वो दिन भूल जा, समझी? चल तैयार हो जा, मैं खाना लेके आता हूँ। वापस आया क्या? नहीं मंजू, मैं उसे फोन कर रही थी मगर फोन नहीं उठा रहा था। अब फोन नहीं उठा रहा था मतलब पहुंचा नहीं है। तो एक काम करो ना ताई, अपनी तरफ से 75,000 रुपए दे दो ना मेरे को, मयूर आएगा तो मैं दे देगी तुमको। अरे इतने पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं ये सब काम क्यों करती? देख थोड़ा सा सब्र कर। किससे बात हो रही थी? किसी से नहीं। क्यों? बात क्या है? कुछ नहीं कपिल, क्या बात है? कुछ नहीं। Are you sure? या, आप ठीक हो? तुम बेड में नहीं थी तो मैं सोचने पड़ गया, फिर अचानक से तुम्हारी आवाज सुनी, तुम फोन पर बात कर रही थी। हाँ वो मंजू का फोन था। इतनी रात गए? हमेशा की तरह, कल लेट आने वाली है, उसके पति की तबीयत ठीक नहीं, वही बताने के लिए फोन किया था। Okay. खाना गरम है, खा ले। काजल में जाती है। हो आई। फातिमा कोई खबर मिली? पुलिस कुछ बोली नहीं क्या? नहीं मंजू, सिताज बोली मेरी राबिया किसी औरत के साथ टैक्सी में बैठ के गई किधर को भी। कौन सी औरत? औरत बोले तो यहाँ पे है ही कितनी औरतें? पुलिस को कुछ तो पता चला होगा ना? अभी तक तो नहीं, उनको नहीं मालूम वो औरत कौन है। फिर भी कुछ तो पता चला होगा ना? ऐसे कैसे बोले कि कोई औरत ही थी? किसी ने देखा क्या? मेरे को नहीं मालूम, बस इतना ज बोले कि उनको ये जानकारी मिली है।
जो भी हो, मेरे को सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरी राबिया को काई को लेके गई और किधर लेके गई। बड़ी अजीब बात है, कोई क्यों लेके जाएगा अपनी राबिया को? सब वो तो तुम हमें बताओगी थाने जाके क्या हुआ और क्यों हुआ। हाँ सेठ, पैसा आ रहा है, 7 बजे आ जा कोठी पर, केश ले जा, छोकरी दे जा। जैसे ही आपका पैसा रेडी हो गया ना, मेरे को रिंग मारो, मैं आता हूँ आपकी अमानत लेके। थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो खाना लेते आऊंगा। एक बार 2 मिनट के लिए अम्मी से बात करा दोगे? हेलो, हाँ राका, वो फातिमा और अब्बास तेरे पास है ना? एक काम कर, उन दोनों को एक एक करके। अब नहीं पूछूंगी। अच्छी बात है। मैं उस राबिया को ठीक से जानती तक नहीं है, उसकी अम्मी फातिमा मेरी पड़ोसन है बस। मंजू 2 मिनट देता हूँ, अगर सच नहीं बोला तो तुम्हारी बेटी काजल को यहां लेकर आऊंगा और उसके सामने तुम्हारी खाल उखाड़ूंगा। ना सर, ना, काजल नहीं। तो बोल फटाफट, कहां लेके गई थी तू राबिया को? मैं उसको लेकर मयूर के हवाले किया, वो उसको कहीं ले गया, वहां से मेरे को नहीं मयूर कौन है? 75,000 मिलने वाले थे मुझे, मेरे पति को कैंसर है सर, उसके इलाज के लिए। चल बता, मयूर कौन है और राबिया कहाँ है? मेरे को सच में नहीं मालूम। वो बोला मेरे को राबिया की शादी करवाएगा, वो खुश रहेगी। अरे तेरी बच्ची जितनी है वो, बेचने में मदद की तूने उसको, बच्ची को? रुक, तेरी हड्डी तोड़ती मैं। अल्पना, सच सच बोल दे, वरना ये कल्पना सच में तेरी एक एक हड्डी तोड़ देगी जो जिंदगी भर नहीं जुड़ पाएगी। चल बता, मयूर कौन है और राबिया कहाँ है? मेरे को सच में नहीं मालूम सर, मैं सच बोल रही है। मेरे को पैसा चाहिए था, अनीता ताई से एडवांस मांग मांग के थक गई मैं, उन्होंने मेरे को बोला ये सब करने के लिए। अभी अनीता ताई कौन है? साहब, जो औरत मेरी बेटी को टैक्सी में बिठा के लेके गई थी वो मंजू थी? हाँ। किधर को लेके गई वो मेरी बेटी को? जी पुलिस, अनीता लालवानी है। बात क्या है? यही है तेरी मैडम। अनीता और मंजू, सिर्फ 30 सेकंड देता हूं, उसके बाद 3 घंटे तक कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ पिटाई करूंगा। कल्पना, शादे? नहीं मैडम, बोलती हूँ मैं सब बोलती हूँ सर। सर, राबिया मयूर के साथ है। वो पता है मुझे, मयूर कहाँ है और राबिया कहाँ है इस वक्त? वो रणकेश्वर गुजरात में, मयूर राबिया को लेकर गया है रमेश दामोर नाम के आदमी के पास, उसके साथ उसकी शादी करवाने। मयूर और रमेश दामोर का नंबर दे। मेरे पास सिर्फ मयूर का एक नंबर है जो उठा नहीं रहा। तू नंबर बोल। सर, इस मयूर का मोबाइल रिंग हो रहा है, ये नंबर ट्रैकिंग में डाल दो। मैं कल्पना और टीम के साथ रणकेश्वर जा रहा हूँ, तो मुंबई से मॉनिटर करो। सर, 475 किलोमीटर है यहाँ से रणकेश्वर, अगर हम लोग अभी निकलते हैं तो ट्रैफिक पकड़ के कुछ 8 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। सर, सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, आपकी बीवी गलत लाइन में फंसी है, ट्रैफिकिंग। सर, ये कैसे हो सकता है? देखिए, अभी तो हम उस लड़की को बचाने जा रहे हैं, उसके बाद हमें और आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीवी कैसे इस रैकेट में आई और क्यों आई। सर, 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 मेरी बात सुनिए सर। रणकेश्वर के एक सोर्स ने बताया है कि रमेश दामोर का कोई फर्टिलाइजर का बिजनेस है। तुम्हारे सोर्स को होल्ड पे रखो, पर लोकल पुलिस या किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं, इस ऑपरेशन की भनक किसी को लगनी नहीं चाहिए। ओके सर।
घर पे नहीं है, ताला तोड़ दो। सर। बाबा मैं आती है। कहाँ चली? बाबा वो शांता भाई मिली थी, भोली की आई को पुलिस पकड़ के लेके गई है। क्यों? क्या हुआ? मालूम नहीं बाबा, पूछ के आती है। फातिमा क्या हुआ, राबिया कहाँ है? पुलिस उसे लेने गई है। लेने गई मतलब किधर से? मालूम नहीं। ये मंजू ने क्या कर दिया हमारी लड़की के साथ? किसी बूढ़े आदमी को बेच दिया, हमारी बच्ची को बेच दिया। कीमती चीजों के गंदे लालच ने तुम्हें इतना गिरा दिया इस हद तक? अरे एक बार रुककर सोच लिया होता कि हरीश पर क्या गुजरेगी जब तुम पकड़ी जाओगी। जिंदगी भर कितना बड़ा बोझ लेकर घूमेगा वो अपने दिल पर। सर फोन मिल गया। मयूर, तांबे सर को इसके मुंबई वाले घर से मिला। गुड, और दो घंटे में हम लोग रणकेश्वर पहुंच जाएंगे। सर इस मयूर के फोन से ही रमेश दामोर का नंबर मिला है, थोड़ी देर में रणकेश्वर में इसका एड्रेस भी मिल जाएगा। हाँ मयूर, रोकड़ा रेडी है, छोकरी रेडी छे ने, बस लड़की लेके यहाँ से निकल रहा हूँ। पहले से धर लेते, बाद में पूछते कौन है ये। अच्छा रमेश भाई, लड़की आपकी हुई, निकलता हूं। ये आप कौन है भाई? रमेश दामोर, शादी करने का बहुत शौक है ना तुझे? चल तेरी शादी हम लोग स्पॉन्सर करते पुलिस स्टेशन। बच्चे डरो मत, हम मुंबई से आए हैं तुम्हें बचाने। हाँ वो लोग कह रहे थे मेरी अम्मी और अब्बास को मार देंगे। तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई अब्बास तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हुँ? अब देखो सब ठीक है, जैसे तुम ठीक हो किसी को कुछ नहीं होगा। राबिया की जिंदगी तबाह करने की नाकाम कोशिश करने वाले सारे गिरोह पर अपहरण और ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। सभी को आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। कुछ बोलेगी काजल, तेरी आई को जेल में क्यों डाल दिया? मेरी तबाह के पैसों के लिए उसने ऐसा क्या किया? कुछ तो बोल। राबिया की मेडिकल जांच करवाई गई और सौभाग्यवश किसी भी तरह का शारीरिक असॉल्ट सामने नहीं आया, लेकिन उसके मानसिक घावों को तो भरने में वक्त लगेगा। लालच एक सत्य है और पैसों का लालच ज्यादातर इंसान को कभी ना कभी अपने लपेटे में ले ही लेता है, और वो इंसान मौका ढूंढता है अपने सपनों को साकार करने का। लेकिन जब ये लालच इंसान के जमीर का गला घोटते हुए नाजायज रास्तों पर निकल पड़ता है, तब ये पहुंचता है जुर्म के आंगन, और जहां शुरू होता है निर्दयता और क्रूरता का घातक नृत्य।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।